तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एजे, और आप देख रहे हैं क्यूट एनिमल्स। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे साइबेरियन हस्की के बारे में। ये बहुत ही फन लविंग और क्यूट डॉग्स होते हैं। हस्कीज वुल्फ्स की तरह ही दिखते हैं, पर ये वुल्फ्स नहीं होते हैं और ये स्पिट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि इंडियन स्पिट्स, अमेरिकन स्पिट्स। साइबेरियन हस्की बहुत ही फास्ट होते हैं। ये 50 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकते हैं, बल्कि इनको ब्रीड ही भागने के लिए किया गया था। और हाँ, इनके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं जब इनका शेडिंग सीजन होता है। तो आप बहुत परेशान हो जाओगे जब हर तरफ घर में बाल ही बाल दिखेंगे। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए हस्की बेस्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि इनको पालना बहुत ही मुश्किल होता है। हस्की की ब्रीड -70 डिग्री फ़ारेनहाइट के वेदर में भी रह सकती है, और वो गर्मी में भी रह सकते हैं, पर अगर उनको बचपन से ही गर्मी के माहौल में पाला जाए तो। फिर भी इन पर एसी और कूलर का खर्चा तो लगेगा ही। हस्की की आइस का कलर ब्लू होता है, पर जैसे जैसे ये बड़े होने लगते हैं इनकी आँखों का कलर बदलने लगता है। ये कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि ये इनमें नेचुरली होता है। ये आपको ब्लू, ब्लैक और रेड कलर की आइस में मिल सकते हैं। और हाँ, ये आपस में बात भी हॉलिंग से ही करते हैं, और इनकी दोनों आँखों का कलर भी अलग अलग हो सकता है, जैसे कि रेड एंड ब्लू। अगर ये खुली जगह पर हाउलिंग करें तो इनकी आवाज़ 10 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। हस्कीज वुल्फ की तरह ही हाउलिंग करते हैं। हस्कीज बहुत ही एनर्जेटिक डॉग होते हैं, इसलिए इनको खेलना कूदना बहुत पसंद आता है। इनको ट्रेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसानी से कोई भी चीज़ को सीख लेते हैं, और ये आसानी से ही फैमिली में घुल मिल जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे एस्केप आर्टिस्ट होते हैं। अगर आप इनको घर में 2 या 4 दिन के लिए छोड़ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं से बाहर निकल आएंगे। इनको अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि ये फैमिली में और या ग्रुप में रहकर ही खुश रहते हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।